बी ए पार्ट सेकंड के विद्यार्थी हूँ मैं, डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। कल के क्रम में अभी आपने मूल्यों की उत्पत्ति भी जान ली, मूल्यों की विशेषताएं जान ली, मूल्यों की आवश्यकता जान ली और मूल्यों की चरण जान लिए। अब आप जानिए कि मूल्यों का वर्गीकरण क्या है। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से मूल्यों का वर्णन किया है, सैद्धांतिक, बौद्धिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक। यहाँ हम मुखर्जी का पढ़ रहे हैं। मुखर्जी ने मूल्यों को दो भागों में विभाजित किया है, साध्य मूल्य एवं साधन मूल्य। मुखर्जी ने कहा कि साध्य मूल्य वे लक्ष्य संतोष हैं जिन्हें मनुष्य तथा समाज जीवन तथा मस्तिष्क के विकास और विस्तार की प्रक्रिया में अपने लिए स्वीकार करते हैं। यानी साध्य मूल्य कौन से हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम वाले जो मूल्य मनुष्य के आंतरिक जीवन से संबंधित हैं, जो बहुत उच्च हैं, स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, सत्ता, परिस्थिति आदि से संबंधित, ये सब साधन मूल्य हो जाते हैं। यानी साध्य मूल्य कौन से हैं? जिन्हें मनुष्य अपने आचरण में स्वीकार करता है अपने मस्तिष्क के विकास के लिए, और साधन मूल्य जिन्हें मनुष्य पहले प्रकार के मूल्यों की उन्नति करने के रूप में जिनको स्वीकार करता है। इसलिए मुखर्जी ने साध्य मूल्यों को अमूर्त या लोकातीत कहा और साधन मूल्यों को विशिष्ट या अस्तित्वात्मक। यानी साध्य मूल्य अमूर्त हैं, लोकातीत हैं, यानी सत्यम, शिवम, सुंदरम वाला। साधन मूल्य लौकिक हैं और लक्ष्यों की पूर्ति के साधन के रूप में हम इनको स्वीकार करते हैं। अब आप जानिए, स्तर आपने जान लिया कि चार स्तर हैं, ये याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? चार स्तर हैं। चार स्तर हैं: भीड़, स्वार्थ समूह, समाज या समुदाय और सामूहिकता। इसलिए यहाँ पर उन्होंने सामाजिक मूल्य को भी चार भागों में बांटा है: सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। याद रखेंगे आप कि एक नंबर में आता है मूल्यों का वर्गीकरण, दो भाग, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। साध्य मूल्य लक्ष्य हैं, संतुष्टियां हैं जो मानव के मस्तिष्क का विकास कर रहे हैं। साधन मूल्य वे हैं जो इनको पूर्ति करवाते हैं, आवश्यकता पूर्ति करवाते हैं जिनके माध्यम से। चार वर्गीकरण हो गए: सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। आपके पास यहाँ पर एक चरण बाकी रह जाएगा, मूल्य और गैर मूल्य और मूल्यों की महत्ता। तो सबसे पहले आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद करिए